अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है बेसिकली वो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन का चैप्टर है। इसमें हम बुलियन लॉस को डिस्कस करेंगे, रूल्स को डिस्कस करेंगे, बुलियन अलजेब्रा को स्टडी करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, उनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, वहाँ से लॉजिक सर्किट कैसे ड्राइव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लास्ट जो हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है वो कम्प्लीटली लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का चैप्टर था। उसमें हमने लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी किया था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। तो ये जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, ये बेसिकली चैप्टर का नाम ही है और आज हम इसी का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में यूज़ करनी है उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलिए आज का हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले और उनकी सिंप्लीफिकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, बुलियन रूल्स पता होने चाहिए जिनको यूज़ करते हुए हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, लेकिन कुछ जैसे जैसे एक्सप्रेशन आते जाएंगे हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये हमारा न्यू एक्सप्रेशन आ गया है, ये न्यू एक्सप्रेशन आ गया है। जो मेन थे हमारे पास वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये हमारे पास किस तरीके से आए हैं। सबसे पहले है हमारे पास a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a, ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो उसमें आप ज़ीरो ऐड करें तो आपके पास वही वैल्यू ओरिजिनल आती है। ये आप करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ, लेट्स सपोज ए की वैल्यू को मैं ले लेती हूँ 1, मैं इसमें ऐड करती हूँ 0, 1 प्लस 0, मुझे आंसर 1 ही मिलेगा। मीन्स अगेन मुझे ए मिला। अब मैं ए ले लेती हूँ 0, 0 में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो मुझे 0 ही मिलेगा, मीन्स अगेन मुझे ए मिल गया। तो हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो रूल है वो सेटिस्फाई हो गया कि अगर आप ए में किसी भी वर्ड को ऐड करें, किसी भी डिजिट को ऐड करें, ज़ीरो को ऐड करें तो आपको ए ही मिलेगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारे पास 1.a इंटू ए, मतलब ए के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर में ए ही मिलता है। करके देख लेते हैं हम इसे। देखिए लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू 1, मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 1 के साथ, आंसर मिलेगा 1, जो ए की वैल्यू है। मैं ए ले लेती हूँ 0, 0 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 के साथ, मुझे आंसर मिलेगा 0, 0 हमारे पास ए ही है। मीन्स दोनों केसेस में हमें मिल तो ए ही रहा है, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए, और सेकेंड है हमारे पास ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए तो हम उसे ए के इक्वल ही लिखेंगे। ये हमारे पास लॉ है जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉज, इसे हम डिटेल से वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, अगर हम ए में ए ही ऐड कर दें तो आंसर ए के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट में है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉज। ए डॉट ए मतलब ए में ए को मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें आंसर ए ही मिलेगा। ए के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है हमारे पास। ए इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी हमारे पास ए बी के इक्वल होता है। ए का डबल कम्प्लीमेंट हमेशा इसकी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है ए के। ए प्लस बी कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी के कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी के प्लस बी कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों इक्वेशंस को हम डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोलते हैं, जिसे हम प्रूव भी करेंगे।
और ये डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने अपने बहुत सारे डीएलडी के क्वेश्चंस में इन्हें यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वन के इक्वल होता है। और साथ ही साथ आपको कुछ और भी बता दूँ, अगर हम ए में ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा ज़ीरो होता है, इसे भी ऐड कर लीजिएगा आप। अगर आप किसी भी वैल्यू में कोई कुछ भी ऐड करें, फॉर एग्जांपल वन प्लस बी ऐड करें तो आंसर हमेशा वन के इक्वल होगा, ये भी ऐड कर लीजिएगा। वन प्लस ए हो आंसर हमेशा वन के इक्वल ही होगा, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो हम साथ साथ एक्सप्रेशन में यूज़ करते जाएंगे, तब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बुलियन अलजब्रा। बुलियन अलजब्रा की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, किस किस प्रॉपर्टी को ये ऑब्वे करता है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये हमारे पास होती है ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी, मींस ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। मतलब यहाँ पर आपके पास थी दो वैल्यूज़ कौन सी हैं हमारे पास, ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी, ये आ गया हमारे पास। आंसर में ये प्रॉपर्टी आपको क्या देती है, ए सी और ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। मतलब इनर टर्म को आपस में ऐड कर दें, आउटर टर्म को आपस में ऐड कर दें, ए प्लस सी और ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड ले लें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लें, या लेफ्ट हैंड साइड ले लें राइट के इक्वल प्रूव कर लें। तो राइट हैंड साइड हमने ली हुई है, राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी ए प्लस सी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में आपके पास आ जाएगा ए ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस सी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी। ये अभी मैंने आपको रूल्स में पढ़ाया, फंडामेंटल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा में पढ़ाया कि ये ज़ीरो के इक्वल होता है। बाकी हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगी, ए बी ए का कॉम्प्लीमेंट सी और सी बी। अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस थ्योरम ये जो हमारे पास तीनों टर्म्स हैं ये इक्वल होती हैं ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी के। कंसेंसस थ्योरम हमने नेक्स्ट में प्रूव करना है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ से ये वाली टर्म हमारे पास कैसे आ गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आप ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें आंसर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ीरो में वन ऐड करो या वन में ज़ीरो ऐड करो आंसर वन ही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, कि वो भी कम्यूटेटिव होती है। मतलब आप ज़ीरो के साथ वन को मल्टीप्लाई करो या वन के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो आंसर ज़ीरो ही रहेगा। इसी तरीके से ए बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होता है बी ए के कॉम्प्लीमेंट होल के। अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट को खोलें तो आपके पास आंसर आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट पहले था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट खोलने के बाद बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वैल्यूज़ ही इक्वल हैं, इस तरीके से ये वाला कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहले एडिशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी तीन चीज़ें हों उन्हें हम ऐड करें, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में है प्लस सी, तो हमारा आंसर हमेशा इक्वल आएगा। अगर आप बी प्लस सी को पहले ऐड करें और बाद में ए में ऐड करें, ये हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ एडिशन में। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर आप कोई सी भी दो वैल्यूज़ ले लें, तीन वैल्यूज़ ले लें, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। कंडीशन ये है कि वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए, जो ए की वैल्यू है वही बी की होनी ए की वैल्यू अगर वन है, बी की ज़ीरो है, सी की वन है, तो यही वैल्यू इस राइट साइड पे होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है
नैंड और नॉर गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, ये आपका इम्पॉर्टेंट MCQs भी है कि हमारे पास कौन से दो ऐसे नैंड गेट हैं जो एसोसिएटिव गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। तो हमारे पास दो लॉजिक गेट्स ऐसे हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, नैंड गेट और नॉर गेट, या आप इन्हें यह भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। आप इनके ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर नॉर और नैंड का ऑपरेशन परफॉर्म करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास टर्म है ए डॉट बी प्लस सी। जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो आप किस तरीके से खोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे एक को अंदर ए बी प्लस ए सी सिंपली, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास ए प्लस बी सी हो, ये हमेशा इक्वल होता है ए प्लस बी ए प्लस सी के, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए ए आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करें प्लस ए बी आ जाएगा, फिर प्लस बी सी आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है ए के इक्वल ही अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और प्लस ये आ जाएगा ए बी और प्लस बी सी। अब यहाँ से आप ए को कॉमन ले लें, वन प्लस बी आ जाएगा जो वन के इक्वल ही होगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी सी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है बूलियन अलजेब्रा की। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, टॉपिक की तरफ, जो है थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से थ्योरम्स हमने अपने एक्सप्रेशंस में यूज़ करने हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कौन से दो थ्योरम्स ऐसे हैं जो बूलियन अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे और इन्हें प्रूव भी करेंगे। तो अब हम थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे कि थ्योरम्स को किस तरीके से प्रूव करना है और कौन से दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं। थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, दो थ्योरम हमारे पास ऐसे हैं जो हमने अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन में यूज़ करने हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ द डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम की दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं हमारे पास। सेकेंड वन है हमारे पास कंसेंसस थ्योरम। दोनों थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था, जो लास्ट दो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही थी, मैंने कहा था ये डी मॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है, जब हम होल कॉम्प्लीमेंट खोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बूलियन रूल्स जहाँ पर प्लस हो वो डॉट में चेंज हो जाएगा, जहाँ पर डॉट हो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। कंडीशन ये है कि होल के ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, जैसे इस वाली स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट खोलती हूँ, ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट सिंगल, प्लस वाला जो है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट सिंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट कैसे आई। सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है बिल्कुल इसका उलट है। अब वो हमारे पास स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ए डॉट बी और ये होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए होल कॉम्प्लीमेंट है और अब डॉट है, मैंने कहा था अगर डॉट हो उसे आप प्लस में चेंज कर देंगे, मींस अगर और ऑपरेशन है उसे एंड में चेंज कर दें, अगर एंड ऑपरेशन है उसे आप और में चेंज कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं होल कॉम्प्लीमेंट खोलूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट सिंगल बन जाएगा, डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट सिंगल बन जाएगा। तो हमने ये भी प्रूव करना है, ये तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी ये वाली और ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है, हमने ये भी प्रूव करना है कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे आए। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट।
इसको प्रूव करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी। कंसीडर दी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने वन ली हुई है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। अगर तो हमारा आंसर वन के इक्वल आ जाए तो इट्स मीन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी वेरीफाइड स्टेटमेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे ए प्लस बी मैंने एडिशनल टर्म साथ लगाई हुई है, जो बेसिक हमारे पास टर्म है वो ये वाली है, मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आएगी और प्रूव करना है हमने वन के इक्वल है। ए प्लस बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट खोला है मैंने। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ए प्लस बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इधर आ गया और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट ए प्लस बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसे सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ पर देखें ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, पीछे मैंने फंडामेंटल में आपको पढ़ाया, फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा में, कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी भी ओरिजिनल वैल्यू को लें और उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें वो हमेशा वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम स्टेटमेंट बन रही है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वन के इक्वल आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास बी बच गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में भी हमारे पास यही स्टेटमेंट बन रही है, ओरिजिनल प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, अगेन ये हमारे पास वन के इक्वल आएगा। रिमेनिंग टर्म हमारे पास ए है तो ए एज इट इज़ आ जाएगा, ए प्लस ये हमारे पास आ गया बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वन के इक्वल। अब देखें यहाँ पर वन प्लस बी ए प्लस वन मीन्स, पीछे मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा में पढ़ाया, वन में आप किसी भी फैक्टर को ऐड करें तो वो आंसर हमेशा वन के इक्वल होगा, चाहे वो आपके पास ए हो बी हो जो भी हो। यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, या आपने भी साइट पर मेंशन करते जाना है साथ साथ। तो वन प्लस बी हमेशा वन के इक्वल ही आएगा, ए प्लस वन हमेशा वन के इक्वल ही आएगा, वन में आप जो भी चीज़ ऐड करोगे वो वन के इक्वल ही आएगी। तो वन वन से मल्टीप्लाई हो के आपको क्या वैल्यू देगा, वन ही देगा। इट्स मीन वन प्रूव हो गया, और ये वाली स्टेटमेंट तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आई इसमें, ये हमारी साथ ही चलती रही। चेंजिंग किस में आई थी, इस वाली स्टेटमेंट में, जो इसके इक्वल आ गई थी और हमने प्रूव कर लिया कि ये वन के इक्वल है, मीन्स वैलिड स्टेटमेंट है हमारे पास। इसी तरीके से हम इसकी सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसे प्रूव करने के लिए भी हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, जो मैंने वन की फॉर्म में ली हुई है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी एज इट इज़, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट आ जाएगा हमारे पास, और ये जो टर्म है पूरी ये मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म के साथ, तो ए ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस बी ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ज़ीरो होता है, ज़ीरो बी के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो ही देगा, बी बी का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होता है, ज़ीरो ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो ही देगा। इट्स मीन ये हमारे पास आंसर ज़ीरो आ चुका है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, जो हमें प्रूफ दे रही है सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दी डी मॉर्गन्स थ्योरम का। इसी तरीके से हम अब सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे, जो कि हमारे पास है कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो हमारे पास है ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी। ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी, ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट किया था, जिस पे मैंने आपको बताया था कि हम कंसेंसस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट में करेंगे। तो इसका प्रूफ अब हम यहाँ पर करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये किस तरीके से हमारे पास आई है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ली हुई है ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, बी सी के साथ कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ खुद ही वन ऐड कर दिया।
वन बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो आपको सेम वैल्यू ही देगा, बी सी ही देगा। मीन्स बी सी अगर वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नो चेंज, बी सी ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी सी के साथ वन लगा दिया। ए बी प्लस ए का कम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, ये जो वन होता है मैंने अभी आपको पीछे बताया, अगर किसी भी ओरिजिनल वैल्यू में उसका कम्प्लीमेंट ऐड कर दें तो आपको वन मिलता है। मीन्स ये जो वन की वैल्यू है ये बेसिकली इसके इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए के कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए बी प्लस ए का कम्प्लीमेंट सी ए बी सी प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी सी। अब देखें ए बी सी और ए बी इन दोनों में ए बी कॉमन है तो मैंने ए बी कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा वन प्लस सी। ए का कम्प्लीमेंट सी और इस वाली टर्म में ए का कम्प्लीमेंट सी कॉमन है तो ये मैंने बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा वन प्लस बी। अगेन वन में कुछ भी ऐड करें तो वो वन के इक्वल ही आएगा, वन में बी ऐड करें वन के इक्वल आएगा। हमारे पास बच गया ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। तो हमारे पास कंसेंसस थ्योरम प्रूव हो गया। अब आपके पास कोई भी इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाए तो आपने डायरेक्ट ये आंसर पुट कर देना है, क्योंकि हमने प्रूफ देख लिया कि फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा में कंसेंसस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो तीन टर्म वाली इक्वेशन है ये हमारी बेसिकली दो टर्म के इक्वल होती है और वो दो टर्म हमारे पास आएंगी ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी। तो आज के लेक्चर में हमने बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा रूल्स और थ्योरम्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।